अगर आप बहुत लंबे टाइम से इंडियन नेवी से जुड़ना चाहते थे, स्पेशली अगर आप नेवल डॉकयार्ड का हिस्सा बनना चाह रहे थे ना, तो आपके लिए मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आ गई हूँ। दरअसल अप्रेंटिस पदों पर ना बम्पर भर्ती निकल गई, यानी कि इलेक्ट्रिशियन और फिटर जैसे बहुत सारे पोस्ट होने वाले हैं। अगर आपने 10th पास कर लिया है और आपके पास है ITI पास का सर्टिफिकेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन नेवी का प्राउडली हिस्सा बन सकते हैं। सो इसकी डिटेल क्या है, कब से कब तक आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होगा और सैलरी कितनी मिलेगी, सारी चीजें एक ही जगह पर हम बहुत आसान भाषा में 1x1 आपको बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है NBT के नौकरी वाले इस खास सेगमेंट में। आज बात हो रही है इंडियन नेवी, स्पेशली नेवल डॉकयार्ड में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, वो आज से यानी कि 23 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है। तो आप ना ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि indiannavy.nic.in यहाँ पर जाइए और जाकर एप्लीकेशन का फॉर्म अपना भर दीजिए। अब अगर आप कहेंगे कि यार आपने वेबसाइट तो बता दी, शुरुआत की तारीख बता दी, लेकिन आखिरी तारीख तो बताया नहीं, तो देखिए आपके पास ना सिर्फ और सिर्फ 10 मई तक का टाइम है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप आज अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए, अपने पास सारी चीज़ें रख लीजिए और कल तक एनी हाउ अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आपको पता ही है, अगर आप आखिरी तारीख का इंतजार करेंगे तो अक्सर क्या होगा, वेबसाइट तो खुलती नहीं है, हो सकता है आप एप्लीकेशन फॉर्म ही ना भर पाएं। सो इसीलिए आखिरी तारीख का आपको इंतजार नहीं करना है, उससे पहले पहले अपना फॉर्म भर देना है। अगर मैं बात करती हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में मेंशन कर दिया था, जिन उम्मीदवारों के पास 10th पास का और ITI पास का सर्टिफिकेट है ना, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको इतना ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते वक्त जो आपकी मिनिमम एज है ना, वो 15 साल होनी चाहिए। सो आपने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी कर दी, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं और आपने फॉर्म भी भर दिया। अब बात आती है कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सिलेक्शन ना मेरिट के बेसिस पर बिल्कुल नहीं होने वाला। अक्सर क्या होता है, इंडियन रेलवेज में जब अप्रेंटिस की पोस्ट निकलती है तो मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, वो अलग है। सबसे पहले आपको ना एक रिटर्न एग्जाम देना होगा। रिटर्न एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और उसके बाद ही आपका होगा सिलेक्शन। हाँ, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो सारे नौकरियों की तरह इसमें भी सेम रहेगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, जो उनकी सत्यता है यानी कि वो कितने ओरिजिनल है, वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको जगह दी जाएगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है, कुछ समझ नहीं आता हो, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार ना नोटिफिकेशन से जरूर गो थ्रू हो जाइए, ताकि हर छोटी छोटी डिटेल ना आपको पता चल जाए। अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सब चीजें आपको एक ही बार में बता दें। सो बेटर है कि आप नोटिफिकेशन से भी एक बार डिटेल चेक कर लें और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना शुरू करें। अब हम सबसे मेन बात बता देते हैं, यानी कि सैलरी या फिर स्टाइपेंड कह लीजिए, वो कितनी मिलने वाली है। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको हर महीने स्टाइपेंड के रूप में 7700 यानी कि 7700 रुपीज से 8050 रुपीज तक का स्टाइपेंड मिल सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आप इससे जुड़ना चाहते हैं, तो आखिरी तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। कोई सवाल है आपका, कुछ और जानना चाहते हैं आप, तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का टाइम पर यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्स दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। नौकरी से रिलेटेड ऐसे अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे, हर दिन लेकर आएंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।